हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ कैमेलिया। आप सब लोग कैसे हो? और अभी अभी तो दिवाली गई है, आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे, बहुत मस्ती किए होंगे, तो मुझसे भी थोड़े शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं भी सुनूंगी, मुझे भी अच्छे लगेंगे। तो आज के मैं रेमेडी जो शेयर करने वाली हूँ वो की है विंटर स्पेशल, क्योंकि विंटर लगभग सभी जगह में थोड़े थोड़े आ चुके हैं। लेकिन अभी से अगर आपका स्किन का केयर स्टार्ट कर दें, क्योंकि थोड़े थोड़े स्किन खिंची खिंची सी ऐसा हो रहा है, ड्राई ड्राई हो रही है, तो आप अगर अभी से स्किन का केयर स्टार्ट कर देंगे तो विंटर में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं, जैसा कि मेरा हर रेमेडीज़ होता है कि बहुत ही आसान सा चीज़, घरेलू नुस्खे होते हैं जो रेमेडीज़ मैं यूज़ करती हूँ, जो बहुत ही आसानी से सभी घर में अवेलेबल हो, ऐसा ही कुछ रेमेडीज़ मैं शेयर करती हूँ आप लोगों। ऐसा ही आज का रेमेडीज़ भी है, बहुत ही आसान सा रेमेडीज़ है। मैं दो रेमेडीज़ आज आपको दिखाऊंगी जो बहुत सारे लोगों की बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है, वो लोग भी ट्राई करेंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं बोलती हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन में प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन में प्रेस अगर भूल जाएंगे तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो बेल आइकन में प्रेस ज़रूर कीजिएगा, उसके साथ साथ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, इससे मिलते हैं मुझे बहुत सारे मोटिवेशन। तो चलिए वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। पहले एक बॉल ले लेते हैं, इसमें हम लेंगे पहले 1 टीस्पून कॉफ़ी। नेस्कॉफ़ी ले रहे हैं, आपके पास जो भी कॉफ़ी अवेलेबल हो आप ले सकते हो। 1 टीस्पून कॉफ़ी लेंगे, आपके पास जो भी 1 रुपये का पाउच मिलता है बाज़ार में अवेलेबल, वो पाउच, एक पाउच आप पूरा ले लीजिएगा, उससे ही हो जाएगा, एक चम्मच ही उसमें होता है। और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, आप देख सकते हो कोई सी ब्रांड का ऑलिव ऑयल आपके पास जो भी अवेलेबल हो, कोई भी ब्रांड का होगा चलेगा, आप किसी भी ब्रांड के ऑलिव ऑयल ले लीजिए 1 चम्मच, और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, आप देख सकते हो। तो ऐसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने से पहले फेस को पूरा क्लीन कर लीजिए, पहले कोई भी फेस वॉश से ऐसे क्लीन रखना चाहिए, उसके बाद अप्लाई करेंगे। देखिए मैं नोज़ के एरिया से स्टार्ट कर रही हूँ, आप इसे एज अ फेस पैक भी अप्लाई कर सकते हो। मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ क्योंकि नोज़ के पास एरिया पर जो बहुत ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का प्रॉब्लम होता है, या स्किन का कोई भी, बहुत ही हेल्पफुल है ये रेमेडीज़। आपका स्किन का डेड सेल की दूर करेंगी, उसके साथ साथ ग्लो भी करेगी, और आपका स्किन का जो भी ड्राइनेस है बहुत ही अच्छी तरह से दूर कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा रहने दीजिए, उसके बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से आप साफ़ कर लीजिए। देखिए मैंने फेस पे वाटर भी है, मैंने फेस को क्लीन कर लिया, अब मैं पैड ड्राई कर लूँ, आप देख सकते हो फेस कितना क्लीन लग रही है, कोई भी मेकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे फेस पे, आप देख सकते हो कितना क्लीन लग रही है। अब रोज़ाना यूज़ कीजिए, ये विंटर के टाइम पर बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ये फेस पैक। एंड दूसरा फेस पैक है ये, जो कि मैं और एक बोल रही हूँ, उसमें ले रही हूँ शुगर, मैं एकदम शुगर ले रही हूँ। आप थोड़ा इसको मेल्ट कर लीजिएगा, मेल्ट किया आपको थोड़ा पीस लीजिएगा, पीस और भी अच्छा होगा इसके लिए। और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल, कोई भी कोकोनट ऑयल होगा आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो भी अच्छे से होगी। और ये मैंने बोले कि थोड़ा सा मैं ऐसे ही ले लिया था, आप थोड़ा सा ये चीनी को थोड़ा पीस लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। मैं हाथों में अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ये आप फुल बॉडी अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो, मैं हाथों में अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये अप्लाई करने के बाद आपका स्किन में कोई भी मॉइस्चराइज देने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ज़्यादातर आप ये शावर लेने से पहले आप अप्लाई करेंगे तो आपको शावर लेने के बाद कुछ भी मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। चीनी बहुत ही अच्छा स्किन एक्सप्लोरेटर है, बहुत ही अच्छे से स्किन को आपको डीप स्किन को सेल को दूर करती है, स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करती है, बहुत ही अच्छे होते हैं ये, आप पूरे बॉडी पर अप्लाई कर सकते हो।
सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से बहुत ही घरेलू नुस्खे, बहुत ही आसान से चीज़ों से जो सारे चीज़ आपके घर में अवेलेबल है, उन चीज़ों के आपके प्रॉब्लम की सोल्यूशन हो जाती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स कर कमेंट कर बताना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते फिर से अगले कोई नए वीडियो पे, और आज के लिए बस बाय।